हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के चयन का दूसरा चरण पूरा करने के लिए 15 सितंबर को नई दिल्ली में प्रस्तावित कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक फिलहाल टल गई है। प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की अस्वस्थता के चलते बैठक को टाला गया है। बैठक की आगामी तारीख अभी तय नहीं हुई। पूर्व केंद्रीय मंत्री दीपा दास मुंशी की अध्यक्षता वाली 9 सदस्यीय स्क्रीनिंग कमेटी ने आवेदकों के पैनल पर विचार करना है। इसके बाद केंद्रीय चुनाव कमेटी के दावेदारों के नाम भेजे जाने हैं। प्रदेश के 68 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मिले 1347 आवेदनों पर विस्तृत चर्चा करने के बाद राज्य चुनाव कमेटी ने विधानसभा क्षेत्र वार पैनल तैयार कर दिए गए हैं। करीब 35 सीटों के लिए सिंगल नाम तय हुए हैं। अब पूर्व केंद्रीय मंत्री दीपा दास मुंशी की अध्यक्षता वाली स्क्रीनिंग कमेटी में इन पैनल पर विचार किया जाएगा। स्क्रीनिंग कमेटी में उमंग सिंघार और धीरज गुर्जर को सदस्य नियुक्त किया गया है। ये दोनों सदस्य प्रदेश का दौरा कर लौट चुके हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला, प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखवेंद्र सुक्खू सहित सह प्रभारी संजय दत्त, तेजेंद्र पाल सिंह, बिट्टू और गुरकीरत सिंह कोटली कमेटी के सदस्य हैं। स्क्रीनिंग कमेटी टिकटों के आवेदनों पर विचार करने के बाद कुछ नाम केंद्रीय चुनाव कमेटी के पास भेजेगी। केंद्रीय कमेटी उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मुहर लगाएगी। रिपोर्ट, आईपीएन।